नमस्कार। बोकारो बोकारो विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण का शुभारंभ। महिला शक्ति ने फिर दिखाया दम, आगे आकर लगाया वैक्सीन। विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण का देश भर में हुए शुभारंभ के साथ आज बोकारो में टीकाकरण की शुरुआत हुई। प्रथम चरण में सदर अस्पताल सहित चंदन क्यारी के स्वास्थ्य केंद्र में आरंभ हुआ। वायरस के खात्मे को लेकर पूरे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज दिनांक 16 जनवरी से हो गई, जिसमें बोकारो जिले में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। पहले दिन बोकारो सदर अस्पताल स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदन क्यारी स्वास्थ्य केंद्र के जिले से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें सफाई मित्रों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया। बोकारो में पहला टीका स्वास्थ्य विभाग के महिला सफाई मित्र अनु देवी को एवं दूसरा टीका शहर की नामी गायनोकोलॉजिस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नीता सिन्हा को लगाया गया। उसी तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन क्यारी में कोविड-19 का पहला वैक्सीन सफाई कर्मी मुकेश कुमार भगत को लगाया गया। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में 13 बेड लाभार्थियों के ऑब्जर्वेशन के लिए लगाए गए हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट, देखते हैं क्या कहते हैं टीका लेने वाले व्यक्ति, महिला व संबंधित अधिकारी और उपायुक्त DC राजेश कुमार। पहले हमको तो वैक्सीन दिया गया है, टीका दिया गया, हमको अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे सब सुविधा भी है, व्यवस्था भी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग यही देना चाह रहे हैं जो लोग भी वैक्सीन ले और कोरोना से बीमारी से मुक्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। क्या नाम हुआ आप? मेरा लोगों से यही संदेश है कि सभी लोग वैक्सीन लें, क्योंकि ऐसे भी इस वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स कम होंगे, क्योंकि ये किल्ड वायरस का बना हुआ है ना, mRNA का है, इसलिए इसमें जो है साइड इफेक्ट्स की चांसेस कम हैं। दूसरा है कि देश निर्मित वैक्सीन है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और तीसरा, ये कोरोना को भगाने में बखूबी कामयाब रहेगा, इसलिए मैं सब लोगों से बोलूँगी कि इस वैक्सीन को ज़रूर लें और पूरे विश्व को कोरोना से मुक्त बनाने में एक अपना सहयोग दें। मेरी यही नतीजा है। मैडम, भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में है वो इससे दूर होगी जब आप लोग वैक्सीन लिए हैं। इसीलिए तो मैंने वैक्सीन लिया है कि लोगों की भ्रांतियाँ दूर हों और वैक्सीन लेने में हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप लोग लगातार सेवा मरीजों की कर रहे थे जिस वक्त कोरोना काफ़ी बड़ी मात्रा। हम लोगों ने एक दिन भी अपना क्लिनिक नहीं बंद किया, क्योंकि मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, डिलीवरी जो है सो कोरोना को देख करके नहीं रुकेगा। इसलिए जब सारा बोकारो बंद था, लोग सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखता था, लोग सड़क पर नहीं जाते थे, तो भी हम डॉक्टर सड़क पर दिन रात घूमते थे, क्योंकि हम लोगों ने एक भी दिन बंद नहीं किया और मरीजों की सेवा दी। क्या नाम है मेरा? डॉक्टर मीता सिन्हा। सर बताया जाए आज सर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है आज बोकारो में, पूरे भारत में हो रही है, बोकारो में भी आज स्टार्ट हो रही है। नहीं बिल्कुल, आज जो कह सकते हैं कि कोरोना को मूर्त रूप में, वास्तविकता में आज से हराने का अभियान स्पष्ट रूप से जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जितने भी लोग यहाँ वैक्सीन लेने आए हैं, जिससे सही साइट्स पे हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा सारे पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह रहेगा कि इस वैक्सीन को लेके इससे संबंधित जो भी सूचना है उसका एक सकारात्मक पहलू जो है समाज में उसको फैलाएं, लोगों को जागरूक करें
ये एक जागरण की वेला है और जिस तरह से लोगों में एक जागृति है इस वैक्सीन को लेकर, ये मेरे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी जितना भी अरेंजमेंट है हमारा सेशन साइट से लेके ऑब्जर्वेशन रूम से लेके AFI जो है हमारा वो वहाँ से लेके वेटिंग रूम से लेके जो हमारा कोल्ड चेन सिस्टम पूरा है, जो वैकल्पिक जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं वो हमारी दुरुस्त है, कैसे इसको कंटिन्यूसली 24 घंटे तक जो है कोल्ड चेन सिस्टम को मेंटेन करके रखना है, सिक्योरिटी जो स्ट्रॉन्ग रूम में जो हमारा वैक्सीन है वो सारी चीज़ें बिल्कुल कर ली गई है। सर आज पहले दिन दो जो सेंटरों को स्टार्ट हो रही है, कल से क्या आप लोग का प्रोग्राम? नहीं, जिस तरह का राज्य सरकार का निर्देश है हम लोग उसी तरह से इसको करेंगे। कल छुट्टी का दिन है तो कल शायद हमें वीक में 4 दिन करने का अभी तक निर्देश प्राप्त हुआ है। इसका एक कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर को सर कुल कितना पड़ना आज तो 200 वैक्सीन दोनों टोटल 100 टोटल कितना पड़ेगा सर? नहीं, उस डाटा के हिसाब से तो फेज बना लगभग 11,000 के आसपास है। अभी हमारे पास 10,700 के आसपास वैक्सीन है और हमारे जो एंट्री हुई है कोविन साइट पे जो थी वो 11,000 के आसपास।